गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद ए बास्केट पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब इस क्लास में हम बोर्ड में आने वाले जो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होते हैं वो देखेंगे कि पैसेज से एक्सप्लेनेशन कैसे बनाते हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट पैसेज है जो बोर्ड में परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पेपर फर्स्ट है प्रोस और यहाँ चैप्टर का नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। पैसेज वाइज एक्सप्लेनेशन, यहाँ हम सीखेंगे पैसेज से एक्सप्लेनेशन कैसे बनाए जाते हैं। सिंपल, देखिए हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज है वो के लिहाज से वो है द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बैगर्स एंड हॉकर्स, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल। ये हमारा पैसेज है जिससे हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बनाना सीखेंगे और इस पूरे चैप्टर को हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और इसकी हिंदी को अच्छे से समझ भी चुके हैं। तो यहाँ पे हम फिर से हिंदी को डिस्कस करके, इस पैराग्राफ के हिंदी को डिस्कस करके हम अपना टाइम नहीं ख़राब करेंगे ना आपका टाइम ख़राब होने देंगे। हम सीधे देखते हैं कि इस पैसे से हम एक्सप्लेनेशन कैसे बनाते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो वो प्रीवियस क्लास देख लें, तब कहीं जाके हो सकता है कि आपको ये रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन करना आ पाए। अब देखिए, सबसे पहले इसमें रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। हमने इस रेफरेंस को हिंदी के साथ बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। रेफरेंस दीज लाइंस, सबसे पहले ये होता है दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, और लेसन के नेम को कॉमन कॉमा में क्लोज कर देते हैं, अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। यानी कि जैसे हम हिंदी में करते हैं, कोई भी संदर्भ होता है, पद्यांश होता है, पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या करते हैं, उसी प्रकार से पैसेज से हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बनाते हैं। संदर्भ, जैसे ये पंक्तियाँ विलियम सी डगलस द्वारा लिखित पाठ अ गर्ल विद अ बास्केट से ली गई है। ठीक, रेफरेंस में ये लिखते हैं जैसे हम हिंदी में करते हैं। अब बात आती है हमारे कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब्ड द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पीपल फाउंड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड हिज एफर्ट टू नो द फीलिंग ऑफ इंडियन पीपल टुवर्ड्स देयर कंट्री। यानी कि इन दिस पैसेज, इस पद्यांश में लेखक प्लेटफॉर्म पर मिले लोगों की शारीरिक बनावट तथा भारतीय लोगों की उनके देश के प्रति भावनाओं को जानने के प्रयास का वर्णन करते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वही स्टूडेंट बना सकते हैं जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर की हिंदी को अच्छे से समझा हुआ है, वही लोग रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर आपका रेफरेंस सही है, कॉन्टेक्स्ट सही है, एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत गड़बड़ अगर हो जाए तो नंबर पूरे मिलते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, क्योंकि अगर हिंदी नहीं पता होगी चैप्टर की तो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट बनाना मुश्किल है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। अब बात आती है कि बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि सर क्या एक्सप्लेनेशन लर्न करना पड़ेगा। बिल्कुल भी लर्न नहीं करना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। अगर चैप्टर की हिंदी अगर आती है, रेफरेंस में आपने चैप्टर का नाम, राइटर का नाम सही लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट आपने एकदम बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पैसेज को देख के ही बनाते हैं, पैसेज अगर आपका पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, उसकी हिंदी अगर अच्छे से अगर आती है तो आप कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से लिख सकते हो कि कॉन्टेक्स्ट उस पैसेज में क्या बताया गया है, बस उसी से उठाकर 3-4 लाइनें आप पैसेज में, कॉन्टेक्स्ट में लिख दीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। फिर भी हमारी प्रीवियस क्लास पढ़ी हुई है जहाँ पे जो बच्चे ग्रामर में वीक है, जिनको ग्रामर नहीं आती है, हमारी प्रीवियस क्लास पढ़ी हुई है चैनल पे, आप वहाँ से अपने ग्रामर के पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि आप आसानी से रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिख सकें। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि आपका जो पैसेज है, ये जो पैसेज है आपका, इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ो
और इसी पैसेज को आप अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे उसने बोला द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल, तो आप एक्सप्रेशन में लिखिए हेयर द राइटर विलियम सी डगलस टोल्ड अबाउट द सिचुएशन ऑफ प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल लाइक सिख मुस्लिम हिंदू सोल्जर मर्चेंट प्रीस्ट पोर्टर बैगर्स एंड हॉकर्स एंड मोस्टली पीपल बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट एंड आई कुड फाइंड वन हु स्पीक इंग्लिश हियर द राइटर told about their experience because they are sharing their experience with the people because the writer want to get the feel of the pulse of the nation so he tried to speak with the people ye humne passage padha aur passage se जैसे कि मैंने आपको हिंदी पढ़ाया था मेरे माइंड में सेट थी और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया अपनी वर्डिंग के हिसाब से। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब देखिए अगर आप बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं नहीं सर मुझे तो और बहुत अच्छा बताइए और अच्छा कैसे कर सकते हैं, जो वास्तव में इंग्लिश में सुपर है मास्टर है ग्रामर में हाथ उनका बिल्कुल सॉलिड है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन द ऑथर सेज दैट ऑथर कहता है कि ऑथर मीन्स राइटर द प्लेटफॉर्म ऑफ ईच स्टेशन वर फुल ऑफ पीपल, जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों से भरा हुआ था डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजियंस हर जात के और हर धर्म के लोग प्लेटफॉर्म पे थे, प्लेटफॉर्म एकदम कचा कच भरा हुआ था, सम ऑफ देम वर सिख उनमें से कुछ सिख थे, सम ऑफ देम वर मुस्लिम कुछ मुस्लिम थे एंड कुछ हिंदू थे, मैनी ऑफ देम वर ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन सबका अपना अलग अलग काम था, कोई कुछ काम कर रहा था प्लेटफॉर्म पे, कोई कुछ काम कर रहा था, कोई कुछ बेच रहा था, कुछ कुछ बेच रहा था लाइक सोल्जर्स मर्चेंट प्रीस्ट पोर्टर्स बैगर्स एंड हॉकर्स दे वर बेयरफुट वो सब नंगे पांव थे एंड इन लूज वाइट क्लोथ और सफ़ेद ढीले कपड़े पहने हुए थे। आफ्टर टॉकिंग टू एट लीस्ट थ्री पीपल कम से कम मैंने तीन लोगों से बात की राइटर ने ही वॉज एबल टू फाइंड वन पर्सन तब कहीं जाके उसको एक बंदा ऐसा मिला टू हुम ही कुड टॉक इन इंग्लिश जिससे वो इंग्लिश से बात कर सके। ही टॉक्ड अबाउट इंसिडेंट ऑफ होल वर्ल्ड एंड उसने पूरे संसार के बारे में बात करी एंड जो भी घटनाएं चल रही है जो भी करंट अफेयर उनके बारे में बात करी एंड एवरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ दैट डे और हर न्यूज़ के हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर के बारे में उसने डिस्कशन किया। ही वॉन्टेड टू हैव कन्वर्सेशन विद पीपल टू नो देयर ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट एंड इन दिस वे ही ट्राइड टू गेट फीलिंग ऑफ द पीपल ऑफ पीपल टूवर्ड्स देयर नेशन क्योंकि वो लोगों की ओपिनियन को लोगों की थिंकिंग को जानना चाहता था कि वो अपने राष्ट्र के बारे में क्या धारणा रखते हैं। तो जो सबसे पहले मैंने बताया वो भी बिल्कुल करेक्ट था, जो ये बताया ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बस अगर कहते हैं ना कि अगर हमारी इंग्लिश बहुत सॉलिड है हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और चैप्टर की हिंदी को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं तो आप एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आप एक्सप्लेनेशन डिट्टो ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आई होप ये आपको क्लास समझ आई होगी और क्लास समझ आई है फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के कमेंट पे जाकर हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन को और अच्छे तरीके से आपको बता पाए, हो सकता है ना समझ में आया हो फिर भी क्लास समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके गाइस टेक केयर बाय।